माता की, सीमा पर जो जवान हमारी सुरक्षा में तैनात है उन तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान पूर्व सेनाध्यक्ष आदरणीय श्री के सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण मंच पर विराजमान, भारत को गौरव दिलाने वाले अपना खून पसीना एक करके हम लोगों को सुख चैन की जिंदगी देने वाले सेना के पूर्व सभी अफसर भाई बहन और विशाल संख्या में आए हुए पूर्व सैनिक भाइयों और बहनों, मेरे जीवन में इतनी बड़ी मात्रा में सेना के पूर्व अधिकारी और सेना के पूर्व सैनिक, इनके बीच आने का बैठने का मुझे सौभाग्य मिला है। ये मैं मेरे जीवन का एक बहुमूल्य अवसर मानता हूं। और जब मैं आज जिस धरती ने हर युद्ध में शहादत का शतक किया, चाहे वो रिजांगला की लड़ाई हो, चाहे वो त्रिशूर की लड़ाई हो, चाहे वो करगिल की लड़ाई हो, ये सभी ने शहादत का शतक भाइयों बहनों, हर युद्ध में शहादत का शतक, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता है। ऐसी ये बांकुरों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है। 1857 के स्वतंत्र संग्राम में राव तुलाराम, एक गौरवपूर्ण नाम, अंग्रेज सल्तनत की नाकों दम लाने वाला नाम, ये यही इसी भूमि का नाम, ऐसी वीर भूमि में जब आया हूं तब इतनी बड़ी मात्रा में सेना के जवानों के बीच आया हूं तब भारत मां के एक छोटे से सिपाही के नाते, इस मां के संतान के नाते, मैं सबसे पहले इन वीरों को नमन करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, देश के लिए मर मिटना, हर पल देश के लिए मरने की, शहीद होने की कामना करना, भाइयों बहनों, ये जीवन ऋषियों से मुनियों से भी जरा भी कम नहीं होता है। और इसलिए
मैं उनको नमन करता हूं, मैं उनका गौरव करता हूं। और न सिर्फ यहां है उनका मैं नमन करता हूं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जो पूर्व सैनिक होंगे, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में तैनात हमारे जवान होंगे, मैं उनको भी आदरपूर्वक नमन करता हूं, मैं उनका गौरव करता हूं। भाइयों बहनों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं तब सुबह सुबह एक अच्छी खबर सुनने को मिली। जैसे यूरोप के देश में जब खबर आती है कि अगले हफ्ते एक दिन के लिए सूरज निकलना वाला है, तो वहां पर हफ्ते से पहले ही आनंद उमंग का माहौल बन जाता है, क्योंकि उनको सूरज देखने को मिलता नहीं है। मित्र, हमारे देश में भी अच्छी खबरें सुनने को मिली नहीं रही है। पूरा एक दशक होने आया निराशा की, बुराइयों की, पराजय की, ऐसी ही खबरें सुनते सुनते हमारे कान पक चुके हैं, हम निराश हो चुके हैं। ऐसे समय कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती है तो हौसला बुलंद हो जाता है। मैं भारत के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं, भारत की विज्ञान शक्ति का अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने आज सफलतापूर्वक अग्नि 5 का परीक्षण किया है। और इसलिए मैं भारत की सभी वैज्ञानिक बिरादरी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 2 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक विशेष जिम्मेवारी दी। व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं बहुत ही रोचक होती है, लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना चाहता हूं कि मुझे जितना थ्रिलिंग इस कार्यक्रम में हो रहा है उतना मुझे उस पद की घोषणा के समय नहीं हुआ था। और ये मेरे बचपन से जो भाव पड़े हैं उस भावों का परिणाम है। मित्रों, आज मैं कुछ अपनी बात भी बताने का मेरा मन करता है। मैं 4th कक्षा का छात्र था, गरीब परिवार से था, 2 रुपये एक साथ कभी देखे नहीं थे, लेकिन लाइब्रेरी में अखबार के अंदर एक इश्तहार पड़ा था। 4th कक्षा में था मैं, और उसमें लिखा था कि गुजरात के जामनगर के पास बालाछड़ी में एक सैनिक स्कूल है, उस सैनिक स्कूल में अगर कोई जाना चाहते हैं तो यहां पत्र व्यवहार करें। प्लीज मित्रों, प्लीज आई नो योर ट्रबल बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। पुलिस के मित्रों, उनको मदद कीजिए जरा, ये कैमरामैन को थोड़ी मदद कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आपके कोऑपरेशन के लिए मैं आपका आभारी हूं। मित्रों, मैं 4th कक्षा में 2 रुपये जमा किए, और 2 रुपये जमा करके मैंने जिंदगी में पहली बार पोस्ट ऑफिस देखी, पोस्ट ऑफिस के पोस्टमास्टर की मदद ली, उनको मदद लेकर के मैंने मनी ऑर्डर किया जामनगर सैनिक स्कूल को।
उनसे मैंने प्रोस्पेक्टस मंगवाया, उस समय वो 2 रुपए में मिलता था। मन में ऐसा लगता था उस उम्र में कि देश की सेवा करना मतलब सेना में जाना, ये मेरे मन में घुस गया था। किसी के सुना नहीं था, ऐसे ही विचार आते थे। प्रोस्पेक्टस आ गया, मैंने एक दूसरे टीचर की मदद की, भर करके भेज दिया। अब उसके एग्जाम के लिए मुझे जाना था, टिकट के पैसे चाहिए। पिताजी से मैंने कहा कि मुझे ऐसी स्कूल में जाना है, उसका एंट्रेंस एग्जाम है, मुझे टिकट के लिए कुछ खर्चा चाहिए। पिताजी ने कहा, बेटा ये अपने बस का बात नहीं है, हम ये सब नहीं कर सकते, तुम यही गांव में पढ़ लेना। मेरा वो सपना टूट गया, मैं नहीं जा पाया। मन में वो कसक बनी रही कि मैं सेना में जाने के इरादे से सैनिक स्कूल में जाना चाहता था, नहीं जा पाया। और ये जामनगर की बालाछड़ी की वो सैनिक स्कूल है जहां आपके मुख्यमंत्री हुडाजी भी वहीं पढ़े हुए हैं। ये हुडाजी ने गुजरात का नमक बहुत खाया है। बाद में मित्रों 1962 की लड़ाई हुई, 1962 की लड़ाई देश को जगजोर करने वाली थी। आजाद हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के लिए तब तो मैं 6वीं 7वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरे गांव से मेहसाना स्टेशन दूरी पर था, लेकिन पता चला कि युद्ध भूमि में जाने वाले सैनिक इस रेलवे से जा रहे हैं, यहां से गुजर रहे हैं। तो कुछ सामाजिक संस्थाएं रेलवे स्टेशन पर सेना के जवानों की विदाई के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए वहां पर मिठाई, चाय, नाश्ता, ढोल नगाड़े बजा रहे थे। ये हमने अखबार में पढ़ा तो हम भी पिताजी को कहे बिना मेहसाणा चले गए। और उस युद्ध के दिनों में छोटी उम्र में मैं सेना के जवानों को उनको चाय देना, नाश्ता देना, उनके पैर छूना, कई दिनों तक वो क्रम चला था। मेरा बचपन से ये लगाव रहा था, लेकिन खुद को इसका लाभ नहीं मिला। इत्तेफाक से 95 के बाद मुझे हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इस सारे क्षेत्र में भाजपा का काम करने का सौभाग्य मिला। और यहां पर मुझे कैंटोनमेंट्स में जाने का अवसर मिला, सेना में अफसरों के साथ वार्तालाप का अवसर मिला, पूर्व सैनिकों के घर जाने का अवसर मिला, और एक प्रकार से सैनिक परिवारों में मेरा एक बृहद परिवार बनता गया और एक नई अनुभूति मैं कर रहा था। और इस मन की अवस्था के कारण जब मैं आज आपके बीच आया हूं तब मैं गौरव अनुभव करता हूं। मेरे मन में जो सपने पड़े हैं, मेरे मन में सेना के प्रति जो भाव पड़ा है, जो गौरव पड़ा है, वो जब भी मुझे अवसर मिलता है उसका उजागर होने का बहुत स्वाभाविक है। मित्रों शायद ईश्वर का भी कोई संकेत है, वरना ये रैली तो बहुत पहले तय हुई थी। 15 तारीख को मेरा रेवाड़ी आना पहले से पक्का था, मुझे कहां पता था कि 13 तारीख को ही इतनी बड़ी घोषणा हो जाएगी। और उसके बाद पहला कार्यक्रम जो मेरे दिल को छूने वाला कार्यक्रम है वो पूर्व सैनिकों के बीच आने का कार्यक्रम हुआ। ये भी कोई ईश्वरीय संकेत है। मित्रों मैंने हरियाणा में बहुत काम किया है, मैं यहां के गांव गांव गली गली से परिचित रहा हूं। ये भूमि पर
जब स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रभाव देखता था, कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके घर पे आज भी स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रभाव ना हो। और हरियाणा में उस समय मुझे सम्मान और गौरव मिलता था, उसका एक प्रमुख कारण था कि मैं स्वामी दयानंद जी की धरती से आया था। इतने मात्र से यहां आर्य समाज का इतना प्रभाव रहा है, संस्कार सरिता यहां बह रही है, मेरे मन को छू रहा था। मित्रों, हरियाणा जब इमरजेंसी आई, मोरारजी भाई देसाई को जेल में डाल दिया गया, तो यही हरियाणा की जेल में उनको रखा गया था, कैदी बना करके रखा गया था, वो भी गुजरात का एक नाता जुड़ गया था। भाइयों बहनों, हरियाणा में मुझे चौधरी देवीलाल जी के साथ निकट से काम करने का अवसर मिला। हरियाणा में मुझे चौधरी बंसीलाल जी के साथ निकट काम करने का अवसर मिला। मुझे भी हरियाणा में अटल जी के साथ भी अनेक रैलियों में आने का अवसर मिला। मैंने आखिरी एक रैली यहीं रेवाड़ी में अटल जी के साथ की थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज का दृश्य कुछ अलग ही है। किसी कैमरे की ताकत नहीं है कि इस दृश्य को अपने कैमरे में समाहित कर पाए। किसी की आंखों में उतनी चेतना संभव नहीं है कि इतना दूर दूर तक किसी को देख पाए जहां मैं देख रहा हूं। माथे ही माथे नजर आए, मुंड ही मुंड नजर आ रहे, क्या दृश्य है मित्र। भाइयों बहनों, ये हरियाणा की धरती से उठी हुई परिवर्तन की पुकार है। ये हरियाणा की धरती ने दिल्ली की सल्तनत को आज ललकारा है। भाइयों बहनों, श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में आकर के बसे थे, लेकिन हरियाणा की धरती का नाता, कुरुक्षेत्र की धरती का नाता, भगवान श्री कृष्ण का, गीता का संदेश हजारों हजारों वर्ष तक दुनिया के लिए प्रेरणा का संदेश है। मित्रों, विश्व में कहीं पर भी युद्ध की भूमि में ऐसा ज्ञान का सागर छलका हो, ये कभी कोई सोच नहीं सकता। सेनाएं सज्ज हो, तीर और तलवारें खून की प्यासी हुई हो, जीवन और मृत्यु का खेल निर्धारित हो, ऐसे समय गीता का ऐसा कोई संदेश सुना पाए, ये घटना भी दुनिया के मनोवैज्ञानिकों के लिए संशोधन का विषय है। युद्ध के भूमि में श्री कृष्ण की कैसी स्वस्थता होगी, विजय का कैसा विश्वास होगा, युद्ध की रणनीति पर कितना भरोसा होगा, और युद्ध के मैदान में भी मानवीय मूल्यों की कितनी कीमत उस हृदय में होगी, तब जाकर के गीता का संदेश निकला होगा। भाइयों बहनों, जब सेना के बीच खड़े हो, युद्ध की भूमि में खड़े हो, उस समय नेतृत्व और दिशा देने वाले व्यक्ति का सामर्थ्य होता है कि उसमें विजय का विश्वास चाहिए, उसमें सामर्थ्य चाहिए, उसमें रणनीतिक कौशल्य चाहिए, और खुद फ्रंट पे खड़े रह करके लीड करने का जज्बा चाहिए, तब जाकर के युद्ध जीते जाते हैं। मित्रों, हमारे देश की सेना, उसका एक ही रूप लोगों के सामने आता है,
वो यूनिफॉर्म में सज्ज होते हैं, वो सीमा पर तैनात होते हैं, वो दुश्मन के दांत खट्टे करने की ताकत रखते हैं, उनको एक ही रूप में हमने देखा होता है। लेकिन ये हमारे देश की सेना का हमें गर्व है कि दुश्मनों के लिए जितनी कठोरता से वो पेश आ सकते हैं, उतनी रुजुता और मृदुता के साथ देश को संकट के समय नागरिकों की सेवा के लिए काम आते हैं। ये अद्भुत ट्रेनिंग है मित्रों। मैंने 2001 में गुजरात के भूकंप के समय सेना के जवानों ने जो काम किया है उसको कभी भूल नहीं सकता। गुजरात मौत की चादर ओढ़ करके सोया था, तब देश की सेना के जवान आए, अनेक जीवित व्यक्ति मलबे के नीचे दबे हुए थे, जीवन और मृत्यु के बीच कोई फासला बचा नहीं था, तब देवदूत बन करके सेना के जवान आए थे और मेरे गुजरात के पीड़ितों की उन्होंने रक्षा की। ये मानवता का संदेश मेरे सेना के जवानों ने दिया था। मित्रों, अभी उत्तराखंड में इतनी भयंकर आपत्ति आई, देश के कोने कोने से आए हुए यात्री फंसे हुए थे, घर जिंदा लौट पाएंगे कि नहीं भरोसा नहीं था, और तब जान की बाजी लगा करके हमारे सेना के जवान, हमारे हेलीकॉप्टर यात्रा में पीड़ित लोगों को उठा उठा करके सुरक्षित पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। और युद्ध के मैदान में नहीं, दुश्मनों की गोलियों से नहीं, उत्तराखंड के पीड़ितों की सेवा करते करते, यात्रियों की सेवा करते करते हमारे जवानों ने जीवन दे दिया। भाइयों बहनों, यात्रियों की सेवा करते करते जीवन देने वाले उन सेना के जवानों को मैं नमन करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं, उनकी शहादत का गर्व करता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, जब देश हमारे सैन्य के इस पराक्रम की गाथा गा रहा था, देश का हर व्यक्ति जो गंगा से केदार से जुड़ा हुआ है वो सेना के इस त्याग और तपस्या की गाथा गा रहा था। एक तरफ तो ये पवित्र तपस्या की गाथाएं सुनाई जा रही थी, उसी समय दूसरी तरफ पाकिस्तान के सैनिक आकर के हमारे देश की सेवा कर रहे जवानों को सीमा पर मौत के घाट उतार दें, उनको मार दिया जाए। और दुर्भाग्य देखिए, भारत के रक्षा मंत्री संसद में खड़े होकर के ये कहें कि पाकिस्तानी सेना के कपड़े पहन करके कोई आए थे, कितनी बड़ी पीड़ा होती होगी उन शहीद परिवारों को, कितनी पीड़ा होती होगी देश की रक्षा के लिए तैनात लाखों जवानों को, कितनी पीड़ा होती होगी 125 करोड़ देशवासियों को, कितनी पीड़ा होती होगी। लेकिन भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठी हुई सरकार, इसको इसकी परवाह नहीं, उसको इसकी चिंता नहीं, उसके लिए तो ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। इतना ही नहीं मित्रों, निर्लज्जता की सीमा तो तब आ जाती है जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, मंत्री परिषद में बैठे हुए व्यक्ति ये बयान दे दें कि सेना में तो लोग मरने के लिए ही तो जाते हैं, इससे बुरा कोई व्यवहार नहीं हो सकता है, इससे बड़ा सेना के जवानों का अपमान इस देश में किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया होगा, किसी राजनेता ने नहीं किया होगा। जो अपमान अगर आप आंसू नहीं बहा पाते हो तो मत बहाओ, आपके हृदय में पत्थर बस
बसे हो तो बसने दो, लेकिन मेरे देश के लिए जीने मरने वाले सैनिकों का अपमान मत करो। निर्लज्जता की भी सीमा होती है और उसका कारण यह है मित्रों, इसका कारण यह है कि देश की सुरक्षा, देश के सुरक्षा बल, ये इनकी प्राथमिकता नहीं है मित्रों। मित्रों आज भी जब दिवाली के दिन आते हैं तो लोग दिवाली अलग अलग तरीके से मनाते हैं। मुझे अगर दिवाली मनाने का मौका मिलता है तो आज भी मैं सीमा पे चला जाता हूं। उन जवानों के साथ दिवाली बिताता हूं, उनके सुख दुख बांटता हूं। हमारे गुजरात की सीमा पाकिस्तान से सटी हुई है। आजादी के इतने साल हो गए, पीने का पानी ऊंट पर भर भर करके लाया जाता था। 800 करीब ऊंट पीने के पानी को लाने के लिए तैनात थे। मैं जब गया मैंने पीड़ा देखी। मैं तो गुजरात के पूर्व छोर से पानी उठाया, 700 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन डाला और सीमा के आखिरी पॉइंट पर पीने का नर्मदा का शुद्ध जल पहुंचाया मित्र। ये बजट के कारण नहीं होता है, ये पाइप डालने की टेक्नोलॉजी है इसलिए नहीं होता है, ये होता इसलिए है कि सीमा पर काम करने वाले जवान के प्रति सम्मान का भाव हमारे जज्बे में भरा हुआ है। तब जाकर के होता है, तब हमारी ये प्रायोरिटी बनती है। 65 की लड़ाई हुई थी हमारे यहां, कोई शहीद स्मारक नहीं था। मेरे सभी अधिकारियों को मैं गर्व से जानकारी देता हूं, हमने पाकिस्तान की सीमा पर भारत के उन वीर शहीदों का स्मारक बनाया, उसको लोकार्पण किया और हमारे टूरिस्ट मैप पर लगाया है। और मेरे देश के नौजवानों से मैं प्रार्थना करता हूं, जब भी यात्रा पे जाने का मौका मिले सीमा पर उस बनाए हुए शहीद स्मारक को जाके सलाम करें। इससे चेतना मिलती है, संस्कार मिलते हैं। भाइयों बहनों, आज देश की नीतियों का क्या हाल हो गया है मित्रों? भाइयों बहनों, आए दिन हम संकटों से घिरते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों को छोड़ नहीं रहा है, चीन आए दिन आंखें दिखाता रहता है, हमारी धरती पर घुस जाता है। इतना ही नहीं, ब्रह्मपुत्रा की नदी का पानी रोकने पर उतारू है, अरुणाचल प्रदेश को हड़प करने पर उतारू है। मेरे भाइयों बहनों, क्या ये सब सेना की कमजोरी के कारण हो रहा है? ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण? सेना की कमजोरी के कारण मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। और इसलिए इस समस्या का समाधान भी हमें दिल्ली से खोजना पड़ेगा। यह समस्या का समाधान भी जब तक दिल्ली में सक्षम सरकार न बने, देशभक्ति से भरी हुई सरकार न बने, हिंदुस्तान के जन जन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध सरकार न बने, तब तक सैन्य कितना ही सामर्थ्यवान क्यों न हो, साधन कितने ही आधुनिक क्यों न हो, हम सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते हैं। भाइयों बहनों,
सचमुच में तो भारत का सामर्थ्य इतना है, इतना बड़ा देश है, 125 करोड़ देशवासी है। हिंदुस्तान ने जितने जवान आजादी के बाद युद्ध में गंवाए हैं, उससे ज्यादा जवान आतंकवादियों की गोलियों से गंवाए हैं, माओवादियों की गोलियों से गंवाए हैं, विघटनकारी शक्तियों से गंवाए हैं। भाइयों बहनों, यूनाइटेड नेशन, उसका जन्म हुआ दुनिया को विश्व युद्ध से बचाने के लिए। तीसरा विश्व युद्ध की नौबत ना आए, इसलिए यूएनओ अपना जिम्मा निभाने की कोशिश कर रहा है। उनको लगता भी होगा कि इतने साल हो गए, तीसरे विश्व युद्ध की नौबत नहीं आई। लेकिन मैं आज सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं, यूनो को गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब युद्ध ने अपना रूप बदल दिया है, युद्ध ने अपने रंग बदल दिए हैं, युद्ध ने अपने तौर तरीके बदल दिए हैं, और इसके कारण प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में जितने देश, जितनी जनसंख्या युद्ध के कारण परेशान थी, उससे ज्यादा देश, ज्यादा जनसंख्या प्रॉक्सी वॉर से परेशान है, छद्म युद्ध से परेशान है, और उस युद्ध का नाम है आतंकवाद, उस युद्ध का नाम है माओवाद। और इसलिए समय की मांग है कि पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ, माओवाद के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ एक जनमत तैयार होना चाहिए। अगर भारत के पास सामर्थ्यवान नेतृत्व अगर होता है, तो विश्व के अंदर आतंकवाद के खिलाफ, माओवाद के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ जनमत इकट्ठा करना मुश्किल काम नहीं है। भाइयों बहनों, ये अटल जी की कूटनीति का परिणाम था कि उन्होंने पूरे विश्व को आतंकवाद पर चर्चा करने के लिए मजबूर कर दिया था, और पूरा विश्व दो खेमे में बंट गया था। एक खेमा था जो मानवतावाद में विश्वास करते हैं, और दूसरा खेमा था जो आतंकवाद में भरोसा करते हैं, आतंकवाद को पनपाते हैं, और उसके कारण दुनिया पाकिस्तान को सुनना बंद कर दिया था। दुनिया में पाकिस्तान की चलती नहीं थी, वो दीन आ गए थे। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 9 साल में आज विश्व में आतंकवाद के प्रति जो गुस्सा पैदा होना चाहिए वो नहीं होता, और कुछ देश मानवता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो अपने आप को बड़े बड़ा मानने वाले देश मानवता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि वे अपने देश की राजनीति के अनुकूल सिलेक्टिव आतंकवाद के संबंध में ही चर्चा करते हैं। आतंकवाद के साथ सिलेक्टिव व्यवहार नहीं हो सकता है, आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, हिंसा मानवता की कब्र खोदती है, और इसलिए मानवतावादी सभी शक्तियों का एकत्र आना विश्व शांति के लिए जरूरी है, गरीब देशों की भलाई के लिए जरूरी है, गरीब देशों के नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जरूरत है। भाइयों बहनों, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई एक सरकार आई है। ये सरकार आने के बाद एक आशा थी कि वो भारत विरोधवाद की राजनीति छोड़ करके
एक मित्र देश के रूप में अपने आप को उभारने की कोशिश करेंगे। लेकिन सीमा पर जिस प्रकार से हमारे जवानों को मार दिया गया, इससे लगता है कि पाकिस्तान के इरादे नेक नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरानों से मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, हमें अगर लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई गरीबी के खिलाफ लड़नी चाहिए। हमें अगर लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई अशिक्षा के खिलाफ लड़नी चाहिए। हमें अगर लड़ाई लड़नी है तो अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़नी चाहिए। मैं पाकिस्तान के मित्रों को कहना चाहता हूं, ये बम बंदूक पिस्तौल, ये आतंकवाद का गर्भाधान करने की प्रवृत्ति आपका 60 साल में अब तक कोई भला नहीं किया। पाकिस्तान के हुक्मरान समझिए, 10 साल के लिए आप पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादियों को पैर नहीं रखने देंगे, आतंकवादियों को रक्षा नहीं करेंगे, आतंकवादियों का ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे। 10 साल करके देखिए, मैं दावे से कहता हूं, पिछले 60 साल में पाकिस्तान की जो प्रगति नहीं हुई है उससे अनेक गुना प्रगति पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान के नौजवानों का भला होगा, पाकिस्तान गरीबी से बाहर आएगा। इतना ही नहीं, ये युद्ध की मानसिकता छूटने के कारण, ये आतंकवादी हरकतों के कारण हिंदुस्तान भी जो आपने युद्ध भूमि में परिवर्तित कर दिया है। पहले तो लड़ाई सीमा पर होती थी, सैनिकों के बीच होती थी, वो अपनी अपनी ताकत से लड़ाई लड़ते भी थे, जीतते भी थे। लेकिन जब आप हिंदुस्तान की सेना को पराजित नहीं कर पाए तो आपने निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारने वाली लड़ाई का खेल शुरू किया। निर्दोष नागरिकों को मार करके पाकिस्तान की धरती से आए हुए आतंकवादी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म न पाकिस्तान का भला कर सकता है, न हिंदुस्तान का भला कर सकता है, न बांग्लादेश का भला कर सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज साफ साफ शब्दों में पाकिस्तान को कहता हूं कि भले आपका जन्म भारत विरोधी राजनीति में से हुआ हो, जन्म भले भारत विरोधी हुआ हो, लेकिन आपका जीवन भारत विरोध के भरोसे नहीं चल सकता। आपकी प्रगति भारत विरोध के भरोसे नहीं हो सकती। आपकी भलाई के लिए भी, आपकी युवा पीढ़ी के कल्याण के लिए भी, 60 साल से जो गलत रास्ते पर चल पड़े हो, एक बार सोचो, लौट जाओ और सब मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़े, अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े, अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़ाई लड़े। और ये धरती महात्मा गांधी की भूमि से विश्व को शांति का संदेश देने का सामर्थ्य पैदा करे, ये मकसद लेकर के चलना होगा। भाइयों बहनों, हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति, ये वोट बैंक की राजनीति का खेल इतना घिनौना हो गया है, चप्पे चप्पे पर वोट बैंक की राजनीति की दुर्गंध आती है, बू आती है, टुकड़े टुकड़ों में समाज को तहस नहस कर दिया गया है। और जो दिन रात सेक्युलरिज्म के छाता लोड करके, वोट बैंक की राजनीति करके समाज को टुकड़ों टुकड़ों के बांटने की कोशिश में लगे हैं, उन राजनेताओं से मैं कहने चाहता हूं, उन बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूं, अगर सच्चा सेक्युलरिज्म देखना है
एक बार हमारी सेना के देखो, हम राजनेताओं को अगर सेक्युलरिज्म सीखना है तो हमारी भारत की सेना से हम सीख सकते हैं। जल, थल और नभ तीनों क्षेत्र में काम करें हमारे सैनिक बल, वहां जिस प्रकार से सभी पंथों के लिए आदर का भाव है, सभी पंथ मिलजुल करके मात्र मात्र भारत माता की सेवा के लिए खप रहे हैं, इससे बड़ा सेक्युलरिज्म का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। मैं सैल्यूट करता हूं हमारे सुरक्षा बलों को, जिन्होंने सच्चे अर्थ में भारत के सेक्युलरिज्म की आन बान शान रखी हुई है और गौरव दिया है देश को, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 1857 के स्वातंत्र संग्राम को देखिए, राव तुलाराम इसके योग योद्धा थे। 1857 का स्वातंत्र संग्राम में भी सेना में हिंदू भी था, मुसलमान थे, लेकिन 1857 के स्वातंत्र संग्राम भी सेक्युलरिज्म की एक मिसाल है कि कंधे से कंधा मिलाकर के किसी पंथ संप्रदाय का क्यों न हो दोनों मिलकर के लड़े थे। ये मिसाल आज भी कायम है, आज भी वो परंपरा हमारी सेना निभा रही है। पहली बार सत्ता भूख में डूबे हुए वोट बैंक की राजनीति में तोड़ना फोड़ने की प्रवृत्ति करने वाले राजनेताओं ने भारत की सेना के इन महान गुणों को, भारत की सेना के इस महान चरित्र को दाग लगा दिया। पहली बार इस देश में सच्चर कमेटी के माध्यम से सेना के अंदर कौन हिंदू है कौन मुसलमान है इसकी गिनती कराने का हुक्म किया। पाप किया है इन लोगों ने, पाप किया है। भारत की सेना जो सिर्फ भारत मां की भक्ति में डूबी हुई है, हर पंथ परंपरा का सम्मान करने की परंपरा को लेकर जी रही है, उसको भी संप्रदाय के रंगों से रंगने का पाप वोट बैंक में डूबे हुए दिल्ली के राजनेता करते रहे हैं। मैं सेना के उन नायकों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने दिल्ली की सल्तनत को दो टूंग सुना दिया कि सेना का चरित्र कोई बदल नहीं सकता, हमारे सेक्युलरिज्म को कोई चुनौती नहीं दे सकता, हम सेना के भीतर संप्रदाय के आधार पर कोई गिनती नहीं होने देंगे, हमारा हर फौजी भारत मां का लाल होता है। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा काम किया है सेना के जवानों ने, लेकिन इन लोगों को मेरे सेना के जवान, मेरे पूर्व सैनिक, इन लोगों को कभी माफ मत करना जिन्होंने दूध में भी दरार करने की कोशिश की है। भाइयों बहनों, देश अगर सामर्थ्यवान होता है, देश अगर सामर्थ्यवान होता है तो न चीन भी आंख ऊंची कर सकता है, न पाकिस्तान आए दिन हमें परेशान कर सकता है, और इसलिए सशक्त सरकार, सशक्त नेतृत्व, सशक्त सेना और सशक्त देश, इस सपने को हमने साकार करना होगा, उसको हमने बल देना होगा। भाइयों बहनों, आज भी देश में सेना की उपेक्षा के कारण, सेना के गौरव को नीचा करने की आदतों के कारण, सेना के सम्मान के अवसरों का अनदेखी करने के कारण हमारे देश की युवा पीढ़ी को
अब सेना में जाने का मन नहीं करता है। किसी भी देश के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऊपरी दर्जे में 40% से अधिकारी आज भी सेना में खाली है। भाइयों बहनों, देश के अंदर हमारे पढ़े लिखे बुद्धिमान नौजवानों का सेना में होना जरूरी है। अब युद्ध सीमा पर लड़े जाएंगे उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी से लड़े जाने वाले हैं, साइबर वॉर होने वाले हैं, और उसमें ओजस्वी तेजस्वी बुद्धिमान नौजवानों की जरूरत रहेगी। हमें सेना को आधुनिक बनाना होगा, हमें सेना में युवा शक्ति, तेजस्वी युवा शक्ति को जोड़ना होगा, और उस दिशा में दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने एक विश्वास का माहौल बनाना होगा। सेना में जाना एक गौरव का कारण हो, ये माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। भाइयों बहनों, हमारे पूर्व सैनिकों को बीमारी में दर दर भटकना पड़े, हाथ पैर गंवाने वाले युद्ध की भूमि में शरीर के अंग न्योछावर करने वाले हमारे आधुनिक दधीची, ये हमारे सैनिक, किसी ने अपना हाथ दे दिया, किसी ने पैर दे दिया, किसी ने दोनों पैर दिए, किसी ने दोनों भुजाएं दे दी, मां भारत को अर्पण कर दी। उनको जब निवृत्ति के बाद अस्पताल में, डॉक्टर के यहां, रेलवे में, बस में लोगों से याचना करनी पड़े, मित्रों इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ये हमारे लिए चिंता और जिम्मेवारी का विषय है। हमें इन स्थितियों को बदलना होगा। हमारे पूर्व सैनिक गौरव से जिए, आत्मसम्मान से जिए, उनकी वाजिब मांगनियों का स्वीकार हो, उसमें कौन रोकता है। कई वर्षों से वन रैंक वन पेंशन आए दिन सुनने को मिलता है। क्या तकलीफ हुई है। मैं आज सार्वजनिक रूप से देश के सेना के जवानों की तरफ से, देश की सेना के पूर्व जवानों की तरफ से भारत सरकार से मांग करता हूं कि वन रैंक वन पेंशन के संबंध में क्या स्थिति है उसका व्हाइट पेपर घोषित करें, श्वेत पत्र घोषित करें। और भाइयों बहनों, मैं कहता हूं अगर 2004 में वाजपेयी जी की सरकार बन गई होती तो आज वन रैंक वन पेंशन वाली समस्या उलझती नहीं। मित्रों, मिल बैठ करके रास्ता निकालते, अटल जी का उदार मन रास्ता खोज लेता, और हमारे पूर्व सैनिकों को, सेना में बैठे हमारे जवानों को एक सम्मान और गौरव के साथ जीने का अवसर देता। भाइयों बहनों, आज देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम सेना के पूर्व सैनिकों को बहुत ही सम्मान के साथ उनकी शक्ति, उनकी डिसिप्लिन, उनका वर्क कल्चर राष्ट्र के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब आप देखिए, अग्निशामक दल हिंदुस्तान के हर टाउन में फायर ब्रिगेड होता है। क्या कभी हम सोचे कि हमारे इन अग्निशामक दल के लिए ये पूर्व सैनिक अगर लगा दिए गए, इस देश में कभी आग नहीं लग सकती। सोचने के लिए वो तैयार ही नहीं है, सोचने के लिए तैयार नहीं है। मित्रों, हमारा देश ओलंपिक में अपनी जगह नहीं बना पा रहा है। हमारे एक पूर्व साथी ओलंपिक में नाम रोशन किया, सेना के जवान, भाई राजवर्धन राठौड़ आज हमारे बीच में है, जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया था, ओलंपिक में पदक लेकर आए थे। सेना के जवान कैंटोनमेंट में होते हैं,
अगर ये देश तय करे कि सेना के जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग देके स्पोर्ट्स की, उनके कौशल्य को तैयार करके, क्या हम ओलंपिक में रंग नहीं ला सकते? ला सकते हैं मित्रों, लेकिन कोई सोचने वाला तो चाहिए। उनके पास समय नहीं है, या तो सोचने के लिए ईश्वर ने वैक्यूम रखा हुआ है और उसके कारण कोई नई सोच नहीं। मित्रों, मेरे गुजरात में जब मैं नया नया आया तो बिजली की चोरी बहुत बड़ी मात्रा में होती थी। हमने क्या किया, एक सर्विसमैन का पूरा एक दल गठित कर दिया। करीब करीब 1000 एक्स सर्विसमैन को रिक्रूट करके उनका दल बनाया, उनके लिए यूनिफॉर्म तैयार किया और बिजली चोरी को रोकने का काम उनको दिया। भाइयों बहनों, किसी पर कोई कानूनी कार्रवाई करने की नौबत ही नहीं आई। ये सेना के जवान के कपड़े देखते ही इसका इतना मॉरल इंपैक्ट होने लगा कि चोर को लगने लगा, करे सेना का जवान आया है, मैं चोरी कर रहा हूं। चोरी बंद हो गई दोस्तों। मेरा बिजली का क्षेत्र 1000 सेना के जवानों की मदद से ताकतवर बन गया। मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है, आज भी इस देश में सेना के यूनिफॉर्म के प्रति एक आदर है, सत्कार है। उसको अगर सही तरीके से काम में लाया जाए तो हमें उचित परिणाम मिलता है और हमारा उस दिशा में प्रयास रहना चाहिए। मैं और एक विषय पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सेना का बजट लाखों करोड़ों रुपयों का होता है, ज्यादातर रुपये विदेशों से शस्त्रास्त्र इंपोर्ट करने में जाते हैं। सवा सौ करोड़ का देश हो, अग्नि मिसाइल छोड़ने की ताकत रखने वाले वैज्ञानिक हो, लेकिन आज सेना के लिए हर छोटा मोटा पुर्जा भी लाना हो, तो विदेशों से लाना पड़ रहा है। ये किसका इंटरेस्ट है? और दिल्ली में बैठे हुए शासकों को सेना के हाल क्या है उसके लिए तो समय नहीं है, लेकिन अगला टेंडर कम निकलने वाला है उसमें रुचि ज्यादा है, क्योंकि अरबों खरबों रुपयों का कारोबार होता है। ये छोटी छोटी चीजों में क्यों खेले? और उसके कारण भाइयों, हमारे देश को, युद्ध के लिए जो शस्त्रास्त्र चाहिए, जो सरंजाम चाहिए, उस पर देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए। इतना ही नहीं, अरे 125 करोड़ का देश हो, इतने नौजवान हो, इंजीनियर हो, टेक्नोलॉजी हो, हमें तो सपना देखना चाहिए कि दुनिया के जितने भी देश शस्त्र खरीदते हैं, आने वाले दिनों में उनको शस्त्र बेचने का काम हम करें। हमें शस्त्र एक्सपोर्ट करने का सपना देखना चाहिए। यह सामर्थ्य मुश्किल नहीं है मित्रों। मेरा प्रदेश तो बहुत छोटा सा रहा, लेकिन हमने हमारी कॉलेजेज में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के कोर्सेज शुरू किए हैं। अभी से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम शुरू किया है। हम भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहित करें, प्रोत्साहित करके उनको हम हिंदुस्तान की सेना को जो चाहिए वो सारी व्यवस्था यहां डेवलप हो, उसके लिए उचित खर्च करें। मुझे विश्वास है मित्रों, भारत में एक नई शक्ति का उदय होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमें डिफेंस ऑफसेट के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारे देश में उत्पादन हो उस पर बल देना चाहिए।
हमारी नीतियों को बनाना चाहिए। हमें विदेशों से आयात और यहां के उत्पादित चीजें उनको लेवल प्ले फील्ड देना चाहिए। संशोधन में हम पराक्रम करते हैं, लेकिन हाल क्या है मित्रों, जब विदेशों से हम युद्ध का सामान लेते हैं तब, जब कभी युद्ध होता है और जिस देश से हम सैनिकों के लिए शस्त्र लेते हैं, अगर उस देश की विदेश नीति उस समय हमारे अनुकूल नहीं है, अरबों खरबों रुपये चुकाने के बाद भी युद्ध के समय वो शस्त्र पहुंचाना बंद कर देता है। भूतकाल में हिंदुस्तान ने ये मुसीबत झेली है, युद्ध के दरमियान शस्त्र आना रुक जाए, पहले से ऑर्डर हुए हो, पैसे दे दिए हो, लेकिन उस देश की विदेश नीति के अनुकूल नहीं है इसलिए बंद कर देते हैं। भाइयों बहनों, अगर हम विदेशों से सामान लेते रहे और कल भयंकर युद्ध हो गया और जो देश हमको दे रहे हैं वो उस समय अगर बंद कर दे तो हमारा हाल क्या होगा, आपने सोचा है? और इसलिए हमारे पास अपनी शक्ति होनी चाहिए, अपना सामर्थ्य होना चाहिए और इसलिए देश की युवा शक्ति का हमें उपयोग करना चाहिए। भाइयों बहनों, हम में से बहुत लोग हैं जो सैन्य में जाकर के भारत मां की रक्षा नहीं कर पाए हैं, सैनिक बनने का सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन भाइयों बहनों, भारत मां की उत्तम सेवा करने का एक और अवसर भी जीवन में आता है और वो अवसर होता है मताधिकार। मैं आज देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है पूरे घर में एक आनंद होता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चे का पहला जन्मदिन होता है पूरे घर में आनंद होता है बच्चे का जन्मदिन है, बच्चे की शादी होती है पूरे गांव में आनंद छा जाता है फलाने के बेटे की शादी होती है। लेकिन भारत ने, भारत के संविधान ने हमको एक ऐसी सौगात दी है, वो सौगात जब मिलती है तब हमें पता तक नहीं होता है कि इतनी बड़ी सौगात मिली और हमें पता तक नहीं। मित्रों, 18 साल की उम्र में हम जब मत के अधिकारी बन जाते हैं, ये भारत के संविधान ने दी हुई हमें सबसे बड़ी गिफ्ट होती है, उसका गौरव होना चाहिए। अरे जिसको भी 18 साल गौरव होता है उसको बधाई देनी चाहिए, एक माहौल बनना चाहिए। और आज मैं नौजवानों से कहता हूं, अगर हम हिंदुस्तान को समर्थ बनाना चाहते हैं, चाहते हैं ना, देश को मजबूत चाहते हो, देश को ताकतवर चाहते हो, दिल्ली में मजबूत सरकार चाहते हो, तो आप एक चेक कर लीजिए, आप भारत के मताधिकार आपके पास है कि नहीं है, मतदाता सूची में आपका नाम है या नहीं है, आप अपने यार दोस्त अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार उनके घरों में कोई 18 साल का रह तो नहीं गया, ये काम करोगे, लोगों को मतदाता बनाओगे, ये पवित्र काम है, हर पार्टी ने करना चाहिए, हर नागरिक ने करना चाहिए। और मैं पूर्व सैनिकों से प्रार्थना करता हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आप देश के नौजवानों से जुड़िए, उनको मतदाता बनाने का अभियान उठाइए, आप देखिए एक नई ताकत के साथ हम उभर जाएंगे। भाइयों बहनों, एक और काम के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, भाइयों मुझे एक और काम के लिए आपकी मदद चाहिए, करोगे? सब कोई करोगे? भाइयों बहनों, इस देश को एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई ने किया था, सैकड़ों राजा रजवाड़ों को एक करके भारत का ये वर्तमान रूप हमें सरदार पटेल ने दिया था। लेकिन पिछले कई वर्षों से
भारत की एकता करने वाले लौह पुरुष सरदार पटेल को भुला दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान थे ये न भूले, सरदार पटेल किसान थे, आजादी के आंदोलन में किसानों को जोड़ने का काम सरदार पटेल ने किया था। सरदार पटेल लौह पुरुष थे और सरदार पटेल ने एकता के लिए बहुत बड़ा काम किया था, और इसलिए सरदार पटेल का जन्म जहां हुआ उस गुजरात की धरती पर सरदार साहब का एक भव्य स्मारक बनाने की हमारी इच्छा है। सरदार साहब की एक भव्य प्रतिमा बनानी है, और प्रतिमा कैसी बताऊं, आज दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाना चाहते हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दो गुना ऊंचा बनाना चाहते हैं। ये विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने का हमारा सपना है, लेकिन हम उसको सारे देश को जोड़ करके बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारी इच्छा है कि सरदार पटेल लौह पुरुष थे, एकता के लिए काम किया था और वो किसान थे, इसलिए हमें हर गांव से लोहे का टुकड़ा चाहिए। लेकिन कोई गांव वाला कहेगा मोदी जी इतना करने की जरूरत नहीं है, हमारे गांव में एक पुरानी तोप है, ले जाओ प्रतिमा बना दो। मुझे तोप और तलवार नहीं चाहिए, मुझे लोहा चाहिए, लेकिन कौन सा लोहा, वो लोहा जो किसानों ने अपने खेत में जोतने के लिए काम किया है, उस लोहे का टुकड़ा चाहिए। क्योंकि वो किसान थे, क्योंकि वो लौह पुरुष थे, क्योंकि वो भारत माता के लिए जीते थे मरते थे, क्योंकि उन्होंने देश की एकता का काम किया था, इसलिए हिंदुस्तान के और हर घर से नहीं पूरे गांव की तरफ से एक औजार 200 ग्राम 300 ग्राम से ज्यादा नहीं, और उसको पिघला करके ये जो भव्य स्मारक बनेगा उसमें आपके गांव का भी हिस्सा होगा, ऐसा एक एकता का स्मारक 31 अक्टूबर के बाद, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 4-5 साल चलने वाला है, 31 अक्टूबर सरदार जयंती के बाद आपकी तरफ कोई न कोई आएगा, ये संदेश सुनाएगा और आपसे आपके गांव समस्त की तरफ से किसान के काम आए हुए एक छोटे से औजार को हम ले जाएंगे और एकता के स्मारक में, विश्व के सबसे ऊंचे स्मारक में आपका भी योगदान होगा। मैं भाइयों बहनों पूर्व सेनाध्यक्ष जी का बहुत आभारी हूं कि इस कार्यक्रम में वो आए, पूर्व सैनिकों का जज्बा बढ़ाने का काम किया, इतनी बड़ी मात्रा में सेना के सारे पूर्व अफसर आए और इतनी बड़ी तादाद में आप सब भाई बहन आए, मैं फिर से एक बार आपको नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए भारत माता की, ऐसे नहीं, भारत माता की, दोनों मुट्ठी ऊपर, पूरी ताकत होनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम।